इंडोनेशिया के जकार्ता में आठवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना और थलसेना को आज स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिले और इस हेलीकॉप्टर के सेना में शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई। हेलीकॉप्टर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर जोधपुर वायुसेना बेस पर वायुसेना में शामिल किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय जम्मू दौरे पर, अपने दौरे में वो विकास की कई सौगात देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 26वें दिन की शुरुआत मैसूर से की। नवरात्रि का आज 8वां दिन, दुर्गाष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा हो रही है। मंदिर में भक्त लगा रहे हैं मां की जयकार। यूपी के भदोही में दुर्गा पंचाल में भीषण आग लगी। हादसे में 64 लोग झुलसे, 3 लोगों की मौत, 42 लोग गंभीर रूप से हालत खराब। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में बारिश की वजह से कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों के वेलकम और लाइट गिर गए। कोटा के बरियानी को सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में महिलाओं को रोजगार परक बनाए जाने के लिए आजीविका संचालन करने को घोषणा की थी। माउंट आबू के अबरोड में कर्म शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में जिला स्तरीय महिला हॉकी में बस्सी ब्लॉक की टीम ने मारी बाजी, तो वहीं क्रिकेट में भी बस्सी टीम रही विजयी। और फतेहपुर शेखावटी में दुर्गाष्टमी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, आज के मां महागौरी की अर्चना पूजा की जा रही है। बाराकांता में हर साल की शांति, साल भी रामलीला का आयोजन किया गया। आपको बता दें विगत 54 वर्ष रामलीला का आयोजन किया गया था। बांदीपुर में डांडिया नाइट महोत्सव आयोजन, और इस मौके पर विधायक गजराज खटाना और पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना ने भी डांडिया कार्यक्रम में शिरकत की। बारह के अंत में विजयदशमी के अवसर पर 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, और वहीं रावण दहन के समय इस बार भव्य आतिशबाजी की जाएगी। जयपुर में रेजिडेंस डॉक्टर्स बोन नीति के विरोध में काली पट्टी बांधकर दूसरे दिन भी विरोध जता रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बूंदी के केशवरायपाटन में बढ़ रहे अपराध को लेकर शहरवासियों में आक्रोश। बता दें कि बढ़ते विरोध के चलते व्यापारियों में पूरी तरह से रोष है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बॉर्डर लखा हाकम के खेतों में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 किलो हेरोइन बरामद कर ली। रूड़ी में पेयजल समस्या की गुत्थी सुलझाने में पीएचडी विभाग जुटा। आपको बता दें अवैध जल कनेक्शनों पर बिना कार्रवाई और पानी छोड़ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नागौर के लांबा जाटान में एक दलित परिवार के साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई, मारपीट का एक वीडियो सामने। उदयपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार युवक पुलिसकर्मी के बीच बहस हो गई। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। और जयपुर के भांगरोटा में थाने के आगे एक एलपीजी गैस से भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भिलवाड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने हंगामा किया।